खबर रीवा जिले से है, जहां निजी स्कूल गाढ़ा 138 में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों टीम ने भाग लिया, जिससे आज फाइनल मुकाबला राजापुर और चांदी के बीच खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में चांदी टीम विजयी रही। वहीं फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधानसभा के विधायक दिव्यराज सिंह रहे, अध्यक्षता रावेन्द्र द्विवेदी विधायक प्रतिनिधि ने किया। वहीं विजेता टीम को सीड के साथ 2100 रुपए और उप विजेता टीम को सीड के साथ 1100 रुपए प्रदान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर परिषद के प्रतिनिधि संजय गुप्ता ने किया। वहीं कबड्डी का लुफ्त हजारों की संख्या में लोगों ने उठाया। आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस की बात अगर की जाए, हाई टच का दावा, यहां पर पैर स्लिप हुआ, पीछे जाने में नाकामयाबी, एक पॉइंट मिल गया फिर से चांदी की टीम को। आज केवल आपके गाढ़ा 138 में नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से गोहाना में भी और कई सारे जगहों पे आज हमारे टूर्नामेंट चालू हो गए हैं, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से डभौरा में भी इसका कबड्डी का आयोजन होने वाला है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे तराई अंचल क्षेत्र में कबड्डी निरंतर जिस ऊंचाइयों में पहले थी, वो ऊंचाइयों पर धीरे धीरे वापस उस मुकाम में पहुंच रही है। इसके लिए मैं टूर्नामेंट के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये एक पहल अगर हम लोग कोई शुरू करते हैं तो पहल को बढ़ाने के लिए और भी हाथों की जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से आपने हमारे हाथ को मजबूत किया है, और इस तराई अंचल के क्षेत्र की जनता को, हमारे जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी, कितनी टीमें खेली यहाँ पर, 12 टीमें खेली, 12 टीमों के बच्चों ने यहाँ पर अपना खेल का प्रदर्शन दिखाया। निश्चित रूप से आज के जमाने में जहाँ हम खिलाड़ियों को, बच्चों को घर से और मोबाइल फोन से, टीवी से छुड़वा करके अगर खेल मैदान पे ले आते हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और कबड्डी तो ऐसा खेल है जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट लगना कहीं ना कहीं नॉर्मल बात होती है। तो आज के ज़माने में अगर बच्चे इस खेल में आ रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें एक फुर्ती और कहीं ना कहीं सूझबूझ की दोनों की आवश्यकता होती है, खेल भावना की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि आपस में भिड़ तो जाते हैं, एक दूसरे को पटकते हैं, लेकिन फिर वही खिलाड़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोबारा ऊपर उठाते हैं। यही अपने आप में एक खेल भावना है। जैसे आप लोग बैठे हैं, या दोनों टीमें साथ में हो गई, एक दूसरी करने लगी, तो कहीं ना कहीं इससे दोस्ती भी बढ़ती है, अपनत्व भी बढ़ता है, और एक खेल भावना भी आप लोग के अंदर बढ़ती है।